अपनी असफलताओं के बावजूद जीवन में आगे कैसे बढ़ें। नमस्ते दोस्तों, जीवन में कभी कभी हम अपने को रुका हुआ सा महसूस करने लगते हैं और हमें लगने लगता है कि हम अब आगे नहीं बढ़ सकते। हमारे बीते हुए समय में हमारे बुरे अनुभवों के कारण ही ऐसा होता है। संभव है हमने किसी कार्य को उतनी अच्छी तरह नहीं किया जितना हमने सोचा था। अक्सर हम उस निराशा से उबरने की भरपूर कोशिश करते रहते हैं, लेकिन वह असफलता अक्सर हमारा ध्यान खींचने लगती है और हमें परेशान करती है। जब भी हम अपने असफल प्रयासों को याद करते हैं तो हम निराश और उदास हो जाते हैं। हम जितना अधिक उसके विषय में सोचते हैं उतना ही अधिक हमारे अनुभव हमें चोट पहुंचाते रहते हैं। यदि आप हमेशा बीती हुई बातों को याद करते हुए अपने को दोष देते रहेंगे और दुखी रहेंगे तो आप जीवन की चुनौतियों के सामने अपनी हार स्वीकार कर लेंगे। अपने असफल प्रयासों के विषय में सोचना बंद करें और जीवन की कड़वी सच्चाइयों को भी स्वीकार करें। अपनी गलतियों से सीखें और नए जोश, नई ऊर्जा और नई ताजगी के साथ फिर से आगे बढ़ चलें। जब आप अपने बीते हुए वक्त को नहीं बदल सकते तो फिर उस पर अपना समय और अपनी ऊर्जा को बर्बाद करने से क्या फायदा। न्यूरोसाइंस के अनुसार मानव का मस्तिष्क पॉजिटिव और नेगेटिव बातों को अलग अलग तरीके से संचालित करता है। नेगेटिव अनुभव में अधिक सोचना पड़ता है, इसलिए मस्तिष्क उन्हें अधिक याद रखता है। यदि आप अपनी असफलताओं को अधिक समय तक याद करते रहेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम अपने दिमाग की बनावट को नहीं बदल सकते, लेकिन हम उसे ट्रेनिंग देकर उसका बुद्धिमानी पूर्वक इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं। इसके लिए हमें अपने बीते हुए समय से जुड़ी भावनाओं को अपने पर हावी नहीं होने देना होगा। विशेषकर बुरे अनुभवों से जुड़ी भावनाओं से हमें अपने को अलग करना पड़ेगा। एक आध्यात्मिक अमेरिकन लेखक ने कहा है, अतीत को सम्मान देने में और उसमें खो जाने के बीच एक सुंदर संतुलन होता है। आप अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ सकते हैं। इसे अपने को क्षमा कर देना कहते हैं। दोस्तों, अपने जीवन का हीरो बनने की कोशिश करना बंद करें। कभी कभी दुखी हो जाना स्वाभाविक होता है। मन उदास और परेशान हो उठता है क्योंकि कोई भी अपने को कमजोर नहीं देखना चाहता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अपने बीते हुए समय में हम अपनी एक आदर्श छवि बनाए रखते हैं और हमारा मन पूर्णता की चाह रखता है, यानी परफेक्शन की। हमारी गलतियां हमारा लक्ष्य नहीं होती बल्कि सिर्फ एक ठहराव होती है जो हमें हमारी जीवन यात्रा पर आगे बढ़ने की ताकत देती हैं। हमारे अनुभव हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं, लेकिन वे हमारी पहचान नहीं बनाते। अपनी गलतियों को अपनी सफलता के मार्ग में जगह दें। वर्तमान पर ध्यान केंद्रित कर शांत हो आगे बढ़ते रहें। हमारे सारे संघर्ष हमारे बंधन का ही परिणाम होते हैं। अपने लक्ष्य को कभी भी अपनी पहचान नहीं बनने दें। वह तो आपके अस्तित्व का सिर्फ एक छोटा हिस्सा है। अपने बीते हुए समय के सुंदर अनुभवों का सम्मान करें और वर्तमान पर ध्यान दें। कार्य करते हुए अपने भविष्य का निर्माण करने में लग जाएं। अपनी गलतियों का एक बॉनफायर बनाएं। ठंड में आग जलाने और नृत्य कर आनंद लेने की प्रक्रिया को इंग्लिश में बॉनफायर कहते हैं। एक कागज पर उन सभी गलतियों को लिखें जिनका अफसोस आपको निरंतर होता रहता है। फिर उसमें माचिस की तीली से आग लगा दें और उसे जलते हुए और राख में बदलते हुए देखते रहें। यह बहुत काम की बात है। आपको बहुत ही राहत मिलेगी। और जब आप अपनी सभी असफलताओं को जलकर राख हो हवा में उड़कर विलीन होते हुए देखेंगे। जब भी आप अपने बीते हुए बुरे वक्त पर अफसोस करते हैं तो आप अपने वर्तमान के एक अंश को खो देते हैं।
जिसे आप फिर कभी नहीं प्राप्त कर सकते। अभी से अपनी पुरानी गलतियों को फिर से नहीं दोहराने की कोशिश में अपनी पूरी ताकत लगा दें। हर उस अवसर का फायदा उठाएं जो आपको नई ऊंचाइयों तक ले जाए। दुनिया में करोड़ों लोग हैं जो अपनी गलतियों की परवाह नहीं करते। अपने को आप फिर एक मौका दें उस क्षेत्र में जहां आपको असफलता हाथ लगी थी। उन विचारों को सख्ती से दरकिनार करें जिन्हें सोच सोच कर आपको अफसोस होता हो, और एक नया जोश, एक नई बुलंदी और एक नई ऊर्जा से उस क्षेत्र में कार्य करने में लग जाएं। बीते वक्त को सोचकर समय गंवाने के बजाय वर्तमान में जीना प्रारंभ कर दें। इस बात की चिंता नहीं करें कि कितना समय बीत गया, और आज से ही पॉजिटिव एक्शन लेना प्रारंभ कर दें। अपने प्रति विनम्र रहें, यह बहुत जरूरी है। अपने प्रति विनम्र रहें और अफसोस करने की अपनी स्थिति से अपने को मुक्त करें। आपको फ्री होना बहुत जरूरी है। चाहे जो भी हो जाए, इस हौसले से आगे बढ़ें। अपनी पुरानी छवि को भुला एक नई शुरुआत करें। किसी भी बात का अफसोस नहीं कर अपने एक नए व्यक्तित्व की रचना कर डालें। अपने जीवन का एक नया रोड मैप बनाएं और पूरी बुलंदी से आगे बढ़ चलें। धन्यवाद।